निश्चित रूप से ये अभी कुछ नहीं देंगे, तो जब राजा बनेंगे तो ये वचन तो देके जाएंगे कि हम तुम्हें 2-4-10 गांव दे देंगे, क्यों भाई जब राजा बनेंगे। लेकिन भगवान बोले आज की तारीख में मैं वचन भी नहीं दे सकता, क्यों भाई आज की तारीख में मैं वचन नहीं दे सकता हूं, अनाधिकार चेष्टा होगी, बोलो मर्यादा का हनन होगा, मैं कोई वचन नहीं दे सकता हूं, मैं वचन देने के लायक भी नहीं हूं इस समय। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, अब मैं क्या दूं इसको, इस समय है क्या मेरे पास देने के लिए। देखें आप, धन्य है केवट, धन्य है केवट की भावना, धन्य है केवट की विचारधारा, धन्य है केवट का समर्पण राष्ट्र और धर्म के लिए। बस इसी से तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे प्यारे, वरना और कोई उपाय नहीं है आपके पास, कोई साधन नहीं है, चाहे जितने साधन कर जाओ लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का उपाय बहुत सरल है और वो किसने बताया, केवट नहीं, प्रभु शक्ति यही कछु नहीं दीना। भगवान को संकोच हुआ, अब भगवान खड़े हैं संकोच में, लेकिन किशोरी जी ने देखा जानकी मैया ने, और जैसे जानकी मैया ने प्रभु के आंखों को देखा तो आंखों में आंसू थे, क्या थे आंसू थे, क्योंकि प्रभु शक्ति, जब कोई संकोच होता है तो आंसू आ जाते हैं, बोलो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते आंसू, की क्या करूं क्या ना करूं, संकोच की बात है, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। श्री जानकी मैया ने देखा, अरे मेरे स्वामी संकोच में, उसी समय ज्ञान निहारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी, जिसमें मणि लगी थी मुद्री में, ऐसी मणि कि कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंचे और जो मांगे, कल्प वृक्ष मांग को पूरा करता है कि नहीं करता है, याद रखना ऐसी मुद्री थी, उसमें वो मणि थी कि आपके पास यदि मुद्री है और उस मुद्री से आप जो भी मांगेंगे मुद्री आपकी हर कामना को पूरा करेगी, ऐसी मुद्री थी, वो साधारण मुद्री नहीं थी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, ऐसी मुद्री जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मुद्री है, वो किशोरी जी ने मन से उतार के दे दी, बोलो किससे उतार के दी, मन से। अच्छा ऐसी चीज को कोई मन से देता है, जल्दी बोलो, हमारी समझ में तो कोई नहीं देता है, मन से कहां देता है, ये साल बड़ा मुलायम है, अब जबरदस्ती कोई मांगे जिद करे ले जाए अलग बात है, लेकिन मन तो नहीं होगा देने का, बड़ा मुलायम है भाई, बहुत अच्छा है, हैं ये मेरे पास ही रहना चाहिए, लेकिन कोई पीछे ही पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन नहीं प्यारे, प्रिय वस्तु, और वो भी प्रिय नहीं परम प्रिय वस्तु, यदि उतार करके कोई दे दे तो ये समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है, बोलो है बहुत बड़ी बात कि नहीं। लेकिन पति को देना अलग बात है, लेकिन ये विश्वास हो जाए कि पति किसी को देकर के संकोच दूर कर देगा, बोलो भाई पत्नी की वस्तु पति के पास पहुंच जाए तो सोच लेती चाहे मेरे पास रहे चाहे मेरे पति के पास रहे, बात तो एक ही है घर में ही रहेगी, लेकिन ये यकीन हो जाए कि ये मन की वस्तु और कीमती वस्तु मनोकामनाओं को पूरा करने वाली वस्तु, ये विलक्षण वस्तु आज मेरे पति के हाथ से भी दूसरे के हाथ में पहुंच जाएगी, बोलो इस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन किशोरी जी ने विचार नहीं किया, तुरंत धीरे से वो मुद्री उतार के दे दी, और जैसे ही भगवान के हाथ में मुद्री आई तो पहले तो ढीले ढाले हाथ थे भगवान के, और ये सोच रहे थे अब क्या करें क्या ना करें, मेरे पास कुछ है नहीं क्या दूं क्या ना दूं, और धीरे से किशोरी जी ने जैसे मुद्री हाथ में पकड़ाई और भगवान समझ गए ये तो मुद्री है, और जैसे ही मुद्री भगवान के हाथ में आई तो भगवान ने तुरंत पोजीशन ले ली और कहा लो लो लो, लो, लो। एकदम जो है भगवान प्रफुल्लित हो गए, कि कैसे हो गए भगवान जल्दी बोलो, प्रफुल्लित प्रसन्न हो गए एकदम, वाह वाह संकोच दूर हो गया, कम से कम देने के लिए मेरे हाथ में आया तो। धन्य है किशोरी जी, आपने कितना सुंदर यहां भाव प्रकट किया, नारी समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, पति से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं होती है, होती है क्या, पति के सम्मान से बड़ा आपके पास कोई सामान नहीं है, बोलो है क्या, पति के सम्मान से बड़ा कोई सामान हो सकता है क्या,
जो सम्मान है वो सामान में क्या है, क्या रखा है, सम्मान में सब कुछ है। आज ये वस्तु क्या है, मुद्री क्या है, एक सामान है, बोलो। और पति का संकोच दूर हो रहा है, ये सम्मान है, बोलो। है सम्मान कि नहीं? आज किशोरी जी ने सामान को महत्व दिया है कि सम्मान को? सम्मान को महत्व दिया है, इसलिए भगवान का सम्मान बढ़ गया, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा लो मुद्री, लो। केवट ने कहा क्या ले? बोले मुद्री। केवट बोला अभी तो थी नहीं, इतनी जल्दी कहां से आ गई, इतनी जल्दी कहां से आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें लेना है कि बहस करनी है, ये बताओ, फालतू की बात क्यों करते हो? अरे लो ना, क्या दिक्कत है? केवट ने कहा बगल वाले ना बोले, चुप रहे, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, बीच में क्यों बोलते हो? हे प्रभु ये बताओ, अभी नहीं थी मुद्री? अच्छा, जब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुद्री नहीं थी? अच्छा, बात भी सही है। भगवान ने जब केवट कहता हाथ रखिए ना, और भगवान ने जब हाथ बढ़ाया तो देखा ना उसने कि हाथ अच्छा बढ़ाया। अच्छा, अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, देखो मुद्री तो नहीं है हमारे उंगलियों में, है क्या हाथ में उंगलियों नहीं है ना? और एकदम मुद्री आ जाए तो आप सोच लोगे अशोक दास ने धीरे से खिसका दे दी, क्यों यही समझोगे कि नहीं थी तो नहीं, बराबर देख रहे थे, कुछ नहीं था, लेकिन आ गई तो क्या कल्पना करोगे आप, जल्दी बोलो, बगल वाले ने दी है। तो केवट बोला मुद्री नहीं थी, आई कहां से? भगवान बोले हमारी पत्नी ने मुझे दी है। अच्छा अच्छा, किशोरी जी ने दी है? हाँ। किशोरी जी के पास कहां से आई? भगवान राम ने कहा इनके पिताश्री ने जब मिथिला में मेरे चरण पखारे और अपनी बेटी के चरण पखारे, तो उस समय चरण पखारते समय मुद्री दी थी। तो केवट बोला हमने भी तो चरण ही पखारे, तो चरण पखारने में मुद्री दी जाती है कि दी जाती है? ये बात मेरी समझ, मुद्री दी जाती है कि मुद्री दी जाती है, आप ही बताएं। बस अंतर इतना है कि राजा ने चरण पखारे, मैं मजदूर हूं, यहां मजदूर ने चरण पखारे। और निश्चित रूप से बड़े बड़े आभूषण इनका त्याग जानकी मैया ने अयोध्या में कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन कुछ ही आभूषण हैं जो साथ में लेकर के आई हैं। इसका मतलब यह है कि मुद्री पर भी इन्होंने विश्वास किया है, बोलो किया है कि नहीं किया है? तभी तो मुद्री अपने साथ ले आई है, मुद्री पर कोई ना कोई भरोसा किया होगा, मुद्री पर कोई ना कोई विश्वास किया होगा, तभी तो मुद्री का त्याग नहीं किया, मुद्री अपने साथ लेकर के आई है। ये मुद्री साधारण नहीं है, ये मुद्री महत्वपूर्ण है। और हे प्रभु ये आभूषण है, मैं मजदूर हूं, मजदूरी में कभी मजदूरों को आभूषण नहीं लेना चाहिए, बोलो बहन बेटियों के आभूषण लेना चाहिए क्या? जल्दी बोलो, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं भले ही मजदूरी करता हूं, लेकिन मैं बहन बेटियों के आभूषण ले लूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है। ईमानदारी के साथ बताओ ये कितनी परिष्कृत भावना है, बोलो बोलो है कि नहीं? और मजदूर का कितना बड़ा समर्पण है, और नारी सम्मान में कितना बड़ा समर्पण है मजदूर का, बोलो है कि नहीं? और ये कहां का मजदूर है, बोलो ये हमारे आर्यावर्त का मजदूर है, ये समुद्र के उस पार का मजदूर नहीं है, बोलो ये जहां तक आर्यावर्त की सीमा थी, बोलो वहां का मजदूर है कि नहीं है? उस समय आर्यावर्त था, आज भारत की सीमा में आ गया है वो श्रृंगवेरपुर, आ गया कि नहीं आ गया है? लेकिन भावना कितनी उच्च कोटि की है, कितनी श्रेष्ठ है कि हे प्रभु ये मुद्री संकट में साथ देगी, और ये मुद्री जानकी जी के साथ रहेगी, पास रहेगी, तो आज आपके सामने समस्या आई तो मुद्री समाधान बन गई, आगे भी तो समस्या आ सकती है, बोलो आ सकती है कि नहीं आ सकती है? जब आगे समस्या आएगी तो फिर ये मुद्री आपके पास नहीं होगी तो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी, बोलो भाई? और यदि ये मुद्री आपके पास होगी तो समस्या का समाधान होगा, इसलिए मैं इस मुद्री को वापस नहीं लूंगा, मैं इस मुद्री को आपके हाथों से नहीं लूंगा,
और आज अगर मैं मुद्री को मजदूरी के रूप में लेता हूं तो निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति पर टिप्पणी होने लगेगी, सनातन की मर्यादा पर टिप्पणी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? ऐसे सनातन धर्म में लोग रहते हैं जो बहन बेटियों के आभूषण भी ले लेते हैं। बोलो भाई भाई, टिप्पणी होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना। केवट ने कहा, प्रभु ऐसी मजदूरी मुझे नहीं चाहिए, और आज मैं संकल्प लेता हूं कि ये मुद्री आपके पास रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे नाम पर उतरी है, मजदूरी के नाम पर, तो तुम्हारे पास ही रहेगी। केवट ने कहा, अगर आपका ये संकल्प है तो मेरी भी प्रार्थना है, क्या कि ये मेरे नाम से अगर उतरी है मजदूरी के रूप में, तो हे प्रभु, मैंने आपको आज ही राजा मान लिया है। अयोध्या वाले माने चाहे ना माने, मैंने आज ही आपको राजा मान लिया है। हे प्रभु, ये मेरी मजदूरी आपके पास रहेगी। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास रहेगी, फिर लौट के आऊंगा तो तुझे दे दूंगा। केवट ने कहा कि वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, ये मुद्री भगवान के साथ गई, और यही मुद्री भगवान ने हनुमान जी को दी, और हनुमान जी ने फिर जाकर के अशोक वाटिका में सीता माता को दी। बोलो दी कि नहीं दी? तो ये मुद्री क्या बन गई? बोलो, सीता जी के लिए सहारा बन गई। बोलो बन गई सहारा कि नहीं बन गई? अच्छा, और केवट ने एक बात और कह दी कि हे प्रभु, अगर मेरी मजदूरी है तो आपके पास जमा रहेगी। भगवान ने कहा, क्यों रहेगी? कहा, अभी आप अपने साथ ले जाइए, जब आप वापस अयोध्या लौटें और जैसे ही आप राजा बने, तो मेरी मजदूरी सबसे पहले अयोध्या के खजाने में जमा कर दीजिएगा, और वो भी रक्षा कोष में। किस खजाने में? रक्षा कोष खजाने में आप जमा करिएगा। और हे रघुनंदन, कभी भी जब अयोध्या राष्ट्र को जरूरत पड़े, तो सबसे पहले इस केवट की मजदूरी को निकाल करके आप अयोध्या की रक्षा में समर्पित कर दीजिएगा। बस मेरी यही प्रार्थना है। ईमानदारी से बताओ, राम राज्य के लिए सबसे पहला योगदान किसके लिए हुआ? राम राज्य के लिए सबसे पहला योगदान केवट का है कि नहीं? जैसे राम मंदिर के लिए सबसे पहला योगदान किसी महाभाग का होगा, हम कह नहीं पा रहे हैं, ना कह सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण में सबसे पहला योगदान, मैं बार बार कहना चाहता हूं इस बात को, सबसे पहला योगदान जिसके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, वो नरेंद्र मोदी का है। सबसे पहला योगदान नरेंद्र मोदी का है, निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है, और कुर्बानी हमारे कार सेवकों की है। बोलो है कि नहीं? रक्त से जिन्होंने राम मंदिर की रक्षा करने का संकल्प, श्री राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना की है, उन्होंने अपने रक्त से तर्पण कर दिया है। प्यारे ऐसे कार सेवकों को आज इस मंच से मैं उनका वंदन अभिनंदन भी करता हूं, और साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं कि आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कार्यकाल किसका चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हम साधु संतों ने तो न जाने कितने वर्षों से कुर्बानियां दी हैं, हजारों महात्माओं की, लाखों महात्माओं की कुर्बानियां हुई, लाखों राम भक्तों ने भी कुर्बानियां दे डाली हैं प्यारे, लेकिन वर्तमान में ऐसा योग जुड़ गया कि प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट भी अनुकूल हो गया प्यारे, और सुप्रीम कोर्ट टाल नहीं पाया, और सुप्रीम कोर्ट को तत्काल डिसीजन देना पड़ा, और अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, और ऐसा मंदिर बन रहा है कि विश्व का अद्वितीय मंदिर है। पूरे विश्व में राम मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं होगा। बोलो ये गौरव की बात है कि नहीं? और ये श्रेय निश्चित रूप से हमें देना पड़ेगा। ऐसे प्रधानमंत्री को हम हृदय से स्वीकार करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
कि हे प्रभु उन्हें स्वस्थ दीर्घायु रखें, जिससे हमारे राष्ट्र को वो गौरवान्वित करते रहें। ये निश्चित रूप से हृदय के भाव प्रसून उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। आज केवट के प्रति भी हमारा समर्पण है कि बोलो राम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए, श्री जानकी माँ के अस्तित्व को बचाने के लिए उसने अपनी मजदूरी को अर्पित कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो किया अर्पित कि नहीं किया। और सुन लीजिए, भगवान ने श्रृंगवेरपुर के राजा के राज्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन श्रृंगवेरपुर के केवट की मजदूर की मजदूरी को स्वीकार कर लिया। और आज वही मुद्रिका जानकी मैया के लिए सहारा बन गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हमारा आपका समर्पण यदि राष्ट्र के लिए हो जाए, नारी सम्मान के लिए हो जाए, सनातन संस्कृति के लिए हो जाए, तो आज भी हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य और कृतकृत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्रामित करता हूँ। पूरे 12 तुम्हारी घड़ी में 2-4 मिनट आगे पीछे होंगे, गड़बड़ कर देते हैं तो घड़ी है नहीं, लेकिन हमारी घड़ी में टाइम हाँ पूरा हो गया है। इसलिए आओ, कल विश्राम दिवस की सभा है, इसलिए कल विश्राम दिवस की सभा में आप विशेष रूप से आनंद लेंगे। आओ दो बार कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हर 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 मां।